it's another day in Baku and we have almost entered the last phase of our trip. We are going to another hill station called as Shadag. So just like Gabala, Shadag bhi ek hill station hai. 2.5 to 3 hours lagte hain Shadag jaane ke liye Baku se. Aur beech mein ek bahut hi khoobsurat sa village aaya hai jiska naam hai Guba village. Aur wahan pe chalte hain. There's a beautiful lake also jisko Guba lake kehte hain. So let's see वो कैसा है. Come on. होने को तो अजरबैजान ऐसे बहुत छोटी सी कंट्री है पर जो मेन सिटी है बाकू उससे थोड़े से ही इंटरवल पे 1-2 घंटे की डिस्टेंस पे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं. तो आप एक सिटी लाइफ और एक सुकून की पीसफुल लाइफ भी दोनों एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे. इस गोवा लेक में बोटिंग करने के लिए आप कैटमरन भी ले सकते हो और उसका प्राइस है 5 मनात पर पर्सन. अजरबैजान में ये हमने दूसरी लेक देखी है. इससे पहले वी वेंट टू द नोवो लेक इन द गबाला विलेज और ये दोनों ही लेक्स मैन मेड है. सो फाइनली 3 घंटे बाद हम शादाग आ गए और शादाग में वी आर स्टेइंग एट दी शादाग माउंटेन रिजॉर्ट जो ऑलरेडी सबसे टॉप पर है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपको नीचे जाना है तो आप केबल कार के थ्रू जा सकते हैं कितनी बार भी. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन 5 PM. एंड उसके अलावा होटल में हमाम वगैरह भी सब इंक्लूडेड है. बट फर्स्ट लेट मी क्विकली गिव यू द रूम टूर. कम ऑन इन. तो घुसते देयर इज दिस वॉशरूम एंड ऑल्सो हैज अ बाथटब. तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड माउंटेन व्यू रूम बुक किया है और इसकी कॉस्ट हमको 2 दिन की 2 नाइट्स की पड़ी 14,000. सो देयर इज अ बालकनी विद अ माउंटेन व्यू. कम ऑन. अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई है थोड़ी देर पहले एंड देयर इज अ रोलर कोस्टर सामने उसकी भी राइड करेंगे थोड़ी देर में. जस्ट डन विद द लंच एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट रोलर कोस्टर राइड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वन. और हमने साथ वाली ली है और दोनों साथ में करेंगे जिसका प्राइस है 40 मनात टुगेदर. अगर आप सिंगल लेते हो तो उसकी प्राइस है 25 मनात पर पर्सन.
दिस इज़ दी शादाग टूरिज्म सेंटर और शादाग में जो भी है बस यही है, बट दिस इज़ मोर देन इनफ. यू विल फाइंड एवरी स्पोर्ट रिलेटेड टू आइस ओवर हियर और द हाईलाइट ओवर हियर इज़ दी रोलर कोस्टर राइड. हमने एक ही तो कर ली है, अभी लेट्स सी और भी यहाँ पे व्हाट टूरिज्म सेंटर हैज़ टू ऑफर. But the ride was amazing. It had some really giant leaps and it was super fun. Even though हम यहाँ पे December starting में हैं but बिल्कुल भी सर्दी नहीं है. This one pullover and we are good to go. और जबकि आज सुबह ही snowfall हुई है but उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है. Salam, Indian. My name is Mehdi. We work here in the Shahada. This is Azerbaijan. Very beautiful hotel. I want to ask you, come here winter season. Winter season very beautiful. Very more guests from Indian, from European. Indian people very friendly. Mm-hmm. More time is coming here. But very friendly people. I love you, Indian. Thank you. लेट्स सी ऊपर केबल कार से कैसे व्यू आता है. मिस्टर हस्बैंड इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स. यहाँ पे आप लोग जिप लाइनिंग और क्वाड बाइकिंग भी इंजॉय कर सकते हो. मैं अभी जिप लाइनिंग करने जा रही हूँ और उसकी कॉस्ट है 15 मनात पर पर्सन. लेट्स गो. जस्ट डन विद दी जिप लाइनिंग और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. और यहाँ पे टूरिज्म सेंटर में भी बहुत सारे खाने की जगह है बट हम लोग वापस होटल में जाके ही खाना खाते हैं. सो इन केस अगर आप ऊपर किसी रिजॉर्ट में स्टे बुक करते हो तो ये केबल कार फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप कितनी भी बार यहाँ पे ऊपर से नीचे आ जा सकते हो अप टू 5 PM. अगर आप ऊपर रिजॉर्ट में स्टे नहीं कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे टिकट लेनी होती है और एंट्री टिकट है 20 मनात पर पर्सन. मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप शादाग में आके एक दिन तो माउंटेन रिजॉर्ट्स में ऊपर कहीं रुके. इट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. और विंटर्स में आओगे तो ये जितना भी ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है इट विल बी कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो, जैसे हमारे कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग में होता है बिल्कुल उसी तरीके से. बट एक दिन डेफिनेटली यू शुड स्टे इन शादाग. हमारा रिजॉर्ट है पीछे द शादाग माउंटेन रिजॉर्ट. उसके अलावा यहाँ पे दो और रिजॉर्ट्स हैं, पिक पैलेस और पाक शालाक होटल. आप उनमें भी स्टे बुक कर सकते हो. The Candican Mountains of Azerbaijan. These mountains are quite popular over here. और इनका नाम Candican इसलिए है क्योंकि अगर आप इनकी red और white stripes को note करें तो इनका pattern candies की तरह resemble करता है.
इसलिए इनको कैंडिकेन माउंटेंस कहते हैं. दीज माउंटेंस आर जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम बाकू, और क्योंकि रोड साइड पर ही माउंटेंस पूरे बने हुए हैं, सो देर इज़ नो एंट्री फीस टू विजिट दिस प्लेस. एंड ऊपर कहीं जाके पैराग्लाइडिंग वगैरह तो हो रही है, एंड बहुत ही ईजी सा ट्रैक है. आप ऊपर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी जा सकते हो, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ऊपर आके. इट्स रियली नाइस. ट्रैक करके हम यहाँ तक आ गए हैं और बोरी हमारी गाड़ी पीछे. ऊपर से ये रेड और वाइट स्ट्राइप देखने में काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है, एंड यहाँ से इट्स ऑल मेकिंग सेंस कि वाई दीज आर माउंटेन्स आर नोन एज द कैंडिकेन माउंटेन्स. So after viewing the Candycan Mountains, we are heading back to Baku, और हमारा last day Baku में ही है. कल हमारी flight है वापस से इंडिया की, तो थोड़ा सा बचा कुचा Baku और explore करेंगे. And yeah, चलो चलते हैं. Thank you so much for watching this video, and please do hit the like button and subscribe to this channel so that you do not miss any of the further videos from our Azerbaijan travel series, and I shall see you soon in the next one.